हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए लेट्स क्रैक इट चैनल को और दबाइए उस नोटिफिकेशन बेल को ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक इट चैनल में। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, वहां पर हम लोगों ने कंप्यूटर की डेफिनेशन और उसकी विशेषताओं पर चर्चा की थी। आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कंप्यूटर के प्रकार पे, कंप्यूटर के टाइप्स पे। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर आपके तीन प्रकार के होते हैं। वो तीन प्रकार हैं एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तीन प्रकार के होते हैं कंप्यूटर, और डिजिटल कंप्यूटर्स जो होता है उसे चार भागों में डिवाइड किया गया है। डिजिटल कंप्यूटर्स के चार पार्ट कौन कौन से होते हैं? पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा है मिनी कंप्यूटर, तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर एंड द लास्ट वन इज़ सुपर कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के टाइप्स पे थोड़ा और जानकारी लेते हैं विस्तृत से देखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। एनालॉग कंप्यूटर में डाटा ट्रांसमिशन एक सीधी रेखा में होता है, जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। ये कंप्यूटर बहुत पहले ज़माने में यूज किए जाते हैं, आजकल इनका उपयोग नहीं होता है। इन कंप्यूटर्स का उपयोग फिजिकल टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता था, जैसे कि तापमान है, पारा है, दाब है या कोई भी फिजिकल नापने के लिए किया जाता है। तो एनालॉग कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर होते हैं जो एक सीधी रेखा में ट्रांसमिशन करते हैं, जिसे एनालॉग ट्रांसमिशन कहते हैं। इनका प्रयोग बहुत पहले होता था, अब इनका प्रयोग नहीं होता है। और इनका प्रयोग किस लिए होता था? तापमान, पारा, दाब और भौतिक क्रियाओं को नापने के लिए। अब देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर हैं जिनका हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं। आइए थ्योरी देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं डिजिटल कंप्यूटर्स वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिटल तकनीक का अनुसरण करते हैं। ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं तो इनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। इनमें माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग किया जाता है। इन कंप्यूटर्स में आपकी माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जो एक सेकेंड में करोड़ों निर्देशों को क्रियान्वित कर सकते हैं, अर्थात चला सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? एक सेकेंड के अंदर आपकी करोड़ों निर्देशों को, जो भी आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं, उन्हें चलाता है, क्रियान्वित करता है। यह बाइनरी वैल्यू 0 और 1 पे कार्य करते हैं। देखिए, आपके डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं वो बाइनरी नंबर पे काम करते हैं। बाइनरी वैल्यू क्या होती है ये आने वाली वीडियोज़ में आपको बताया जाएगा। बाइनरी वैल्यूज़ होती हैं 0 और 1। तो डिजिटल कंप्यूटर्स कार्य करते हैं, 0 हो तो फॉल्स, अगर 0 होता है तो कंप्यूटर के अंदर की जो एक्टिविटी होती है उसे फॉल्स में सेव करता है, और 1 हो तो ट्रू दिखाता है। ये सिग्नल डिस्क्रीट होते हैं और इन्हें 4 श्रेणियों में बांटा गया है। डिजिटल कंप्यूटर्स जो होते हैं आपके वो 4 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। देखिए, माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? ये सर्वाधिक छोटा कंप्यूटर होता है, जिसमें ALU और CPU एक ही चिप में लगे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर बहुत छोटे कंप्यूटर होते हैं, जिन्हें हम लोग हाथ में कहीं भी ले जा सकते हैं, इन्हें हैंड में कैरी कर सकते हैं। और इनमें क्या होता है? ALU और CPU, ये दोनों एक ही चिप में लगे होते हैं। छोटा सा कंप्यूटर होता है। और अगला देखते हैं मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर ये माइक्रो कंप्यूटर से अधिक क्षमतावान होते हैं और एक समय में कई यूजर्स के काम आ सकते हैं। इन कंप्यूटर्स को एक समय में एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकता है। ये डाटा को अधिक तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं। थर्ड देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ये अति उच्च भंडारण क्षमता वाले बहुत बड़े आकार के कंप्यूटर होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है और ये आकार में भी बड़े होते हैं। ये डाटा की बड़ी मात्रा को तेज़ी से संसाधित कर सकते हैं। इनका प्रयोग बैंक,
बड़ी कंपनियों और सरकारी विभागों में किया जाता है। फोर्थ देखते हैं सुपर कंप्यूटर। आपकी परीक्षाओं में जो प्रश्न निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ से निकलते हैं। सुपर कंप्यूटर से काफ़ी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यह कंप्यूटर तेज गति एवं अत्यधिक संग्रहण क्षमता वाले होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी अधिक होती है और इनकी स्पीड भी तेज होती है। इनका आकार भी काफ़ी बड़ा होता है। पहला सुपर कंप्यूटर, देखिए क्वेश्चन कहाँ से निकलता है। बात करते हैं हम लोग पहला सुपर कंप्यूटर, नाम क्या था? क्रेवन। अगर विश्व की बात करता है तो पहला सुपर कंप्यूटर था क्रेवन, जो 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा बनाया गया था। पहला सुपर कंप्यूटर क्रेवन वर्ष 1976 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। अगर बात करता है भारत के पहले सुपर कंप्यूटर की, तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 10,000। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर अक्सर परीक्षाओं में पूछ लेते हैं, परम 10,000। और अगर विश्व की बात करते हैं तो क्रेवन 1976 क्रे रिसर्च कंपनी और भारत का परम 10,000, यहाँ से अक्सर प्रश्न आते हैं, इसे याद रखिएगा। और अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, जो थर्ड पार्ट है कंप्यूटर का। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो नीचे देखिए रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको ट्रिपल सी का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है इसका। बिल्कुल फ्री में आपको सारी वीडियो थ्योरी के साथ मिलने वाली है, विद थ्योरी आप साथ ही साथ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के। हाइब्रिड कंप्यूटर, जैसा कि वर्ड से क्लियर हो रहा है, हाइब्रिड मतलब मिक्सर, दोनों का मिक्सर। तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स दोनों की विशेषताएं इसमें होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स का मोस्टली जो प्रयोग है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में किया जाता है। और मेन जो इसका प्रयोग है वो होता है ECG मशीन। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है ECG मशीन। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग मेडिकल लाइन में ज़्यादा किया जाता है और उसका बेस्ट एग्जांपल हो गया ECG मशीन। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड CCC की तैयारी कर रहे हों उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आप लोगों को वीडियो को, क्योंकि ये नया चैनल है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जोड़ेंगे तो चैनल ग्रो करेगा और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। अभी आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ शेयर करना है वीडियो को। जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह शेयर कीजिए। जो CCC की तैयारी कर रहा हो उसके साथ शेयर कीजिए और बताइए इस चैनल पे CCC की क्लास विद थ्योरी बिल्कुल बेसिक लेवल से चलाई जा रही है। थैंक यू।